नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में आंचे स्टूडियो में। मैं आपको बताऊंगा एक और एक नई भर्ती के बारे में। यहाँ पे जो है काफी कैंडिडेट्स यहाँ पे कमेंट करते हैं कि आप 12th पास के लिए वैकेंसी बताया कीजिए यहाँ पे जो है, जिसमें यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो, ज्यादा लंबी प्रोसेस ना हो, जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो है आप लोग की भर्ती कम्प्लीट हो, ऐसी वैकेंसी के बारे में बताया करिए। तो यहाँ पे जो ITBP में वैकेंसी निकल के आई है, कॉन्स्टेबल की यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे जो कितनी पोस्ट है वो हम चेकआउट करेंगे, कौन लोग अप्लाई कर सकता है, किस तरह से अप्लाई करना है, सैलरी कितना दिया जाएगा, प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम चेकआउट करने वाले हैं। चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कहाँ से आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना और किस तरीके से अप्लाई करना है, वो भी इसकी प्रोसेस में बता दूंगा। तो पहले अच्छे नोटिफिकेशन को समझिए, उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 2 पेज का यहाँ पे जारी किया गया हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल किचन सर्विस 2024। अब यहाँ पे जो है ये सेंट्रल की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स इन्वाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे जो एलिजिबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो इन्वाइट किया जा रहा है अप्लाई फॉर्म के लिए। अब यहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए वैकेंसी देख सकते हैं, किचन सर्विस की पोस्ट है, ग्रुप सी की नॉन गैस राइट नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, टेम्प्रेरी बेसिस में, बाद में इसको यहाँ पे जो है एज अ परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद पे लेवल देख सकते हैं 3 का, उसके बाद यहाँ पे 1700 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है जो कि 7 CPC, बाद में इसको यहाँ पे जो है आपके सैलरीज में बढ़ जाती है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट बेस्ड रोस्टर जो कि यहाँ पे जो है डिटेल्स दी गई है, 819 पोस्ट हैं। तो पोस्टें कम नहीं है, अच्छी पोस्ट हैं, ज़्यादा पोस्ट हैं, कम पोस्ट हैं, वैसे यहाँ पे जो है इस पोस्ट पे आती है कॉन्स्टेबल किचन सर्विसेज में, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकल के आई है। मेल की देख सकते हैं 389, SC की 41, ST की 60, OBC की 138, EW 69, टोटल यहाँ पे जो है 600+। प्लस यहाँ पे फीमेल की 69, SC में 7, ST में 10, OBC में 24, EW में 12 और टोटल 122, तो आपके 819 पोस्ट हो जाती है। अब वैकेंसीज आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, ये यहाँ पे पहले ही बता दिया है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कीजिएगा जहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहीं से ही अप्लाई करना है। 10% ऑफ वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, 10% जो वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन की रिजर्व रखी गई है। ITBP सर्व द राइट टू चेंज और सिक्वेंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आफ्टर पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट, तो ये आपको डिटेल दी गई हुई है। फीस कितनी लगेगी, 100 रुपये नॉर्मल फीस आपकी लगने वाली है। फॉर द फीस एक्सेप्ट फॉर द फीमेल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी। अब ये डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे 18 से 25 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 1 करोड़ फूड प्रोडक्शन किचन फॉर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन वोट करना है, कोई ऑफलाइन यहाँ पे जो है फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो ऑनलाइन वैकेंसी से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी ऑफलाइन यहाँ पे जो है आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब ये डिटेल दी गई हुई है, ईमेल नंबर मोबाइल आपको जो है बिल्कुल सही देना है, आगे की अपडेट आपको उससे ही मिलेगी। यहाँ पे आपका PET टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका रिव्यू मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इस तरीके से स्टेट बाय स्टेट आपको क्वालिफाई करना होगा जॉब के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे जो है कब से स्टार्ट होगा है, तो 2 सितंबर से होगा है, अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब है, 1 अक्टूबर है, तो काफ़ी समय, पूरा 1 महीना है, अप्लाई आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, उन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज है जो 12 अभी अभी पास हो चुके हैं या पास हो गए हैं और वो यहाँ पे 24 ईयर के हैं, 23 ईयर के हैं, 22 के हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास से भर्ती आई है, अगर आपकी बीच में 12th की पढ़ाई चल रही तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल की पोस्ट से काफ़ी अच्छी भर्ती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोटिफिकेशन को समझिएगा और अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आप शॉर्ट में भी डिटेल देख सकते हैं जो कि मैंने आपको अच्छे से कवर कर दी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पर जितनी भी भर्तियाँ आती, चाहे वो 10वीं पास से, 12वीं पास से, कॉलेज से, सबके नोटिफिकेशन में लेकर आता रहता हूँ। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी जॉब अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा।